इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर्मूला का ये पार्ट थ्री लेक्चर है, पार्ट थ्री सीरीज कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, दो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है। तो हम रैंडमली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटीना में जाते हैं, तो जो हाफ पावर बैंडविड्थ होती है, ठीक है, किसकी, डायपोल एंटीना की, हर्ट्ज डायपोल एंटीना, ठीक है, हर्ट्ज डायपोल एंटीना, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी कोई वैल्यू पूछे आपसे कि क्या होती है भैया, तो होती है 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ट्रांसमिशन लाइन एक टॉपिक होता है, ट्रांसमिशन लाइन एक टॉपिक होता है, उसमें एक होती है लैम्डा बाय फोर लाइन, ठीक है, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय फोर, ऐसे अलग अलग लाइन्स होती है उस, ठीक है। तो लैम्डा बाय फोर लाइन की बात करते हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जेड इन इंटू जेड एल, जेड इन क्या है इनपुट इम्पिडेंस और जेड एल क्या है हमारा लोड इम्पिडेंस, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट याद रखिए कि जब मिनिमा अकर होता है लोड पे, मिनिमा होता है लोड पे, अकर एट लोड, ठीक है, तो जो जेड एल होता है लोड इम्पिडेंस वो होता है जेड नॉट अपॉन एस, ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस अपॉन एस, और एस क्या है हमारा वी एस डब्ल्यू आर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैक्सिमा अकर हो रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमा अकर हो रहा होगा लोड पे, तो जेड एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस जेड नॉट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से बात करते हैं हम, बैंडविड्थ ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हाफ इंटू सम ऑफ नाइक्विस्ट रेट, ठीक है, नाइक्विस्ट रेट का आपको सभी को फॉर्मूला पता होगा, ट्वाइस एफएम, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दो चार सिग्नल दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि यार ये जो सिग्नल है उसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स किया गया है और इसकी बैंडविड्थ निकाली है, तो आप क्या करेंगे, जो भी सिग्नल दे रखे होंगे उसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइक्विस्ट रेट आ जाएगा, फिर उसे प्लस करेंगे सभी सिग्नल की नाइक्विस्ट रेट को और डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी बैंडविड्थ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज बिट रेट की, एवरेज बिट रेट, ठीक है, अगर एवरेज बिट रेट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जो एंट्रोपी दे रखी होगी, ठीक है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बिट रेट से, ठीक है, आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। तो एवरेज बिट रेट का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑप्टिकल फाइबर की भी बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है, एक सिंपल एक पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल सर्किट में, सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ठीक है, उसमें सीमोस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो सीमोस होता है उसका एक याद रखिए कि उसका पावर कंजप्शन सबसे कम होता है, पावर कंजप्शन सबसे कम होता है। वैसे ही ईसीएल की बात करें तो ये सबसे फास्ट होता है, मतलब इसका प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डीटीएल होता है, डीटीएल होता है उसका फैन आउट सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम टीटीएल की भी एक बात कर लेते हैं, जो टीटीएल होता है उसमें आपको बोला जाए कि ये फ्लोटिंग है इसका इनपुट, ठीक है, या फिर आउटपुट, तो फ्लोटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो किस लॉजिक पे है, लॉजिक वन पे है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से बात करेंगे हम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पॉइंट लेते हैं। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो एफ एक्स एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस टू पाई एफ एम टी इन टू कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, डीएसबीएससी को कर रही है, एएम को कर रही है, एफएम को कर रही है, तो आप याद रखिए कि हम जब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है डीएसबी विदाउट कैरियर, मतलब डबल साइड बैंड विदाउट कैरियर,
ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको दे रखा हो कि कॉस 2 पाई एफ सी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपल सा दिख रहा है हमें कि कॉस 2 पाई एफ सी टी किसको करता है, कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं कर दूं कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम कर दूं, ठीक है, तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस एफ एम कर रहे हैं मतलब हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अपर साइड बेंड हो जाएगा। ठीक है, अपर साइड बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एस एन आर की बात करते हैं हम, सिग्नल टू नॉइज रेशो, एंड इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। एस एन आर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये गेट इसरो का और आई एस का भी। एस एन आर की वैल्यू होती है 6N+1.76 dB और ये साइनोसोइडल सिग्नल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, और एक और इसका फॉर्मूला होता है 3/2 × 2^2N। ठीक है, अगर डीबी में निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वेर एन क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ साइनोसोइडल सिग्नल के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल हुआ, ठीक है, तो उसके लिए एस एन आर की वैल्यू होती है 6N। ठीक है, उसमें हम प्लस नहीं करेंगे, आगे जो इधर प्लस करते हैं ना 1.76 वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।